हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी आर्या। मैं आज आप लोग को हैंडबैग क्लिप सिखाऊंगा, या हैंडबैग जंप भी बोल सकते हैं आप लोग। तो देखिए, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैंडबैग क्लिप का वीडियो पड़ा हुआ है, तो बहुत लोगों का कमेंट आए थे कि अरे सर, मेरा हैंड पास नहीं आ रहा, हैंड बहुत दूर जा रहा। तो मैं आज आप लोग को उसी का एक्सरसाइज बताऊँगा जो आप लोग बैक क्लिप एक दिन में सीख सकते हैं। तो उस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो देर ना करता हूँ, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, और ये है मेरा स्टूडेंट मंजीत, इन्हीं के साथ आप लोग को बताऊँगा। तो देखिए, जो मैं एक्सरसाइज बताऊँगा वो एक्सरसाइज कीजिएगा तो आप लोग को 100% है कि बैक फ्लिप मारना एक दिन में आ जाएगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो पहले आपको सोना इस तरह और हैंड सीधा करना है, और उसके बाद हैंड देखिए, ये हैंड ये टाइट रहिए, और कमर आपका तोड़ना है इस तरह, ये देखिए इतना इतना तोड़ना है। फिर उसके बाद जितना आप ले सके और जितना चाहिए, फिर इधर से आप लोग को करना है इस साइड से, इस तरह हैंड पैड दो सीधा रहेगा, और ये आपका, जब आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो आप लोग को बैक फ्लिप मारने, उसके बाद आप लोग को डी बनाना पड़ेगा, डी बना ऐसे ऐसे डी बनना पड़ेगा, और हैंड आपका ये टाइट रहना चाहिए। हैंड आपका जब टाइट रहती है तो आप लोग बोले थे हैंड टाइट रहेगा, तो आप जब बैक फ्लिप मारेंगे तो हैंड आप लोग को एकदम सीधे आएगा, और उसके बाद आप लोग को डी बनाकर पलटना होगा जैसे, और ये पैर आप लोग की एकदम सीधा रहेगी पलटने पर ऐसे। तो देखिए, वहाँ तक तो मैं बता दिया हूँ आप लोग को। तो देखिए, पहले आप लोग को डी बनाकर पलटना होगा। अगर आप लगातार बैक मारना चाहते हैं, ये एक या दो या तीन, तो आपको लगातार पलटना होगा जैसे इस तरह, वन और पैर टू, उसके बाद फिर मतलब वन टू, और इधर। और जब आपको पलटते समय अपना हैंड जैसे आर्च बन रहा है इस तरह बनो, और हैंड आपका ये टाइट रहना चाहिए, और ये पैर आपका टाइट रहना चाहिए। जब भी आप फेंकें अपनी बॉडी पुश, तो आप पुश करो, अब इसको हैंड को ही टाइट रहना चाहिए, ये सीधा आएगा। तो चलिए, मैं आप लोग को बैक मार कर, चलो वन ऐसे पैर आ रहा सीधा ना, वन टू थ्री स्टार्ट। जैसा कि मैं बता रहा था आप लोग को बैक फ्लिप मारने के लिए, तो देखिए उसके लिए थोड़ा सा हैंड बैलेंसिंग भी आप कर सकते हैं ऐसे, हैंड पे अपना हैंड थोड़ा टाइट करके हैंड बैलेंसिंग इस तरह कीजिएगा, ये जब आपकी हैंड बैलेंसिंग बनेगी तो आपकी हैंड जो ना गट्टे में पावर आएगा। जब आप बैक मारेंगे, ये जब बैक फ्लिप मारेंगे तो हैंड आपका एकदम टाइट रहना चाहिए, यहाँ से ये टाइट रहेगा। और देखिए डी बनकर आपको, डी बन इसमें तो बैक फ्लिप में डी बनना बहुत जरूरी है। डी बनकर पल अप डाउन पलटना, जिससे उस पैर में, तो मैं उस वाले वीडियो में बताया था एक पैर से डी बनाकर पलटना, आप दोनों पैर से पलटेंगे तब जाकर आप बैक फ्लिप परफेक्ट मार सकते हैं। तो पहले इस तरह हैंड कीजिएगा इस तरह, और ये हैंड आपका एकदम टाइट रहना चाहिए, एकदम हैंड ये टाइट, और पैर इस तरह टाइट रहना चाहिए ये, और जब पैर पलटना है ये दोनों तरफ पैर से इधर, और फिर यहीं से पैर आपका आएगा ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये। तो इसको करने के बाद आप जब बैक फ्लिप मारते हैं तो पहले तो आपको इस तरह बैठना है नॉर्मली में, इस हैंड बैठ कर, ये हैंड है वन वन टू थ्री, और हैंड को अपने टाइट करना है। अब जब बैक फ्लिप मारेंगे तो ऐसे क्या करेंगे, जंप देंगे, ये बैठे वन, और ये बॉडी पे आज बैठ कर उछाल आई है। अब चाहे तो देखिए बैठ कर भी बैक फ्लिप मार सकते हैं, इस तरह बैठ गए हम और बैक फ्लिप ऐसे हैंड लाए, ये बैक फ्लिप आ जाएगी आपकी। जब आपको जैसे वन मारना है या डबल मारना है या ट्रिपल मारना, तो ट्रिपल में क्या करना, अपने बॉडी को स्पीड खींचना पड़ेगा, जैसे यहाँ बैठ गया है वन, और आहिस्ता से ये हैंड है वन, और बैठे और फेंकेंगे बॉडी, ये कैसे फेंकेंगे बॉडी, ये बैठ गया वन और ये टू ऐसे, तो जब मारना होगा वन ऐसे आई वन तो थ्री, फिर डबल मारना तो वहीं से मारना। तो चलिए एक बार मैं लगातार मारकर तीन बैग आपको दिखा रहा हूँ। ये जब आप लोग को मारने लगेंगे तो
आज तक का वीडियो मेरा यहीं तक समाप्त हो रहा है। अगर अच्छा लगा आप लोग को तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड वाले बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लूँ। अगर मैं आप लोग को अच्छा सिखाता हूँ तो लाइक तो बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।